दोस्तों आज का हमारा ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे फिंगरप्रिंट से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको ऐसे ही और भी अद्भुत विचित्र वीडियो से रूबरू करा सके। चलिए दोस्तों अब बिना विलंब के शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। एक हैकर एक तस्वीर से जर्मन रक्षा मंत्री के फिंगरप्रिंट को फिर से बनाने में सक्षम था। ये वही हैकर है जिसने iPhone 5S के रिलीज के 24 घंटे के भीतर एप्पल के थंबप्रिंट सत्यापन को हरा दिया था। दूसरा, विलियम हर्शल दो किसी अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट पर फिंगरप्रिंट का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति था। इसके अलावा वो खगोल विद जॉन हर्शल का बेटा था जिसने फोटोग्राफी का आविष्कार किया, जो कि अन्य चीजों के साथ यूरेनस के खोजकर्ता विलियम हर्शल का पुत्र भी था। तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका में मारीजुआना या फिर गांजा वेंडिंग मशीन है जो निर्धारित उपयोगकर्ताओं को मारीजुआना के औषधीय खुराक को प्राप्त करने के लिए अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करने की अनुमति देती है। चौथा, एडर्माटोग्लाइफिया एक बीमारी है जिसकी वजह से लोग फिंगरप्रिंट के बिना पैदा होते हैं, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है जो दुनिया भर में केवल 4 ज्ञात विस्तारित परिवारों को ही प्रभावित करती है। पांचवा, कुवैत में दुनिया की सबसे पुरानी फिंगरप्रिंट पाषाण युग से मेल खाने वाले टूटे हुए मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पर खोजी गई थी। ये फिंगरप्रिंट 7300 साल पुराना है। जी हाँ दोस्तों। छठा, क्या आप जानते हैं एप्पल का आईफोन टच आईडी एक जीवित और मृत व्यक्ति के फिंगरप्रिंट के बीच एक अंतर बता सकती है। इसलिए यदि आप मर चुके हैं तो कोई भी आपकी टच आईडी का उपयोग करके आपके आईफोन तक नहीं पहुंच सकता। सातवां, अपराध दृश्य फिंगरप्रिंट धूल कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, यहाँ तक कि कैंसर भी हो जाता है। आठवां, बिल्कुल समान जुड़वा डीएनए परीक्षण के माध्यम से अलग अलग होते हैं लेकिन फिंगरप्रिंट अभी भी उन्हें अलग बता सकते हैं। नौवां, कीमोथेरेपी के रोगी अपने फिंगरप्रिंट खो सकते हैं। दसवां, ईके के मुताबिक ये संभव है पहचान और सूचना के राष्ट्रीय प्रभाग के प्रमुख थोड़ टेलीफोन या टेलीग्राफ द्वारा प्राप्त मौखिक विवरण से सकारात्मक सटीकता के साथ एक फिंगरप्रिंट का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे फिंगरप्रिंट से जुड़े 10 रोचक तथ्य। आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद है वीडियो तो आपको पसंद आई ही होगी और अगर ऐसा है तो खटाखट लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच जितना हो सके दूर दूर तक दुनिया के एक एक कोने तक फैला दीजिए इस वीडियो को। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए सीरियसली स्ट्रेंज। हम जल्दी मिलेंगे एक नए दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिए, बाय बाय।